नमस्कार, मैं आराधना मौर्य, स्वागत है आप सभी का आज के स्टूडियो में। देश के कोने कोने से ना जाने आए दिन कितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इन सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर है 15 साल की ज्योति कुमारी की, जो कि महज 500 रुपए उधार की साइकिल से 1200 किलोमीटर का सफर महज 7 दिन के अंदर तय करके अपने पिता को गुरुग्राम से बिहार ले आई। एक साधारण लड़की का असाधारण काम, लेकिन शायद ये किस्सा भी बाकी किस्सों की तरह कहीं दब जाता यदि इस पर 22 मई को डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका का इंटरनेशनल ट्वीट ना आता। और फिर क्या था, फिर तो ज्योति के लिए मानो मदद करने वालों का तांता ही लग गया। कोई 18,000 की साइकिल लेकर ज्योति के घर पहुंच गया तो किसी ने 51,000 की घोषणा ही कर दी, लेकिन जब वाकई मदद की जरूरत थी तो कोई भी सामने नहीं आया। यदि यही 50,000 की मदद उस लड़की के पिता को गुरुग्राम से बिहार लाने में की जाती तो और भी अच्छा होता, लेकिन ये तो सिर्फ एक राजनीतिक मदद है। शायद लॉकडाउन के कारण हमारे नेता रैली नहीं कर पा रहे, वरना यकीन मानिए यही ज्योति के संघर्ष को अपने मंच पर लाकर समर्थकों से वोट बटोर रहे होते। ये सब राजनीति है, लेकिन यदि यहीं पर इस लड़की के साथ कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तब होता एक अफसोस और कुछ पैसों की मदद की जाती, लेकिन जो इन हादसों में अपनों को खोते हैं वो ही समझ सकते हैं इसका असली दर्द क्या होता है। सच बात तो ये है कि मुसीबत में कोई नहीं पूछता, बाद में सब चले आते हैं मदद करने। आज इस ज्योति कुमारी में लोगों को टैलेंट दिखने लगा, लेकिन यदि यही टैलेंट पहले ही निकाल लिया जाए तो किसी गरीब की बच्ची को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बीहड़ में अकेले आने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आज सब सरकारों को इसमें टैलेंट दिख रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टियां मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। अरे अगर इतनी ही मदद करनी है तो अभी रास्ते पर देश के कई बेटी और बेटियां हैं, जाओ उनकी मदद करो ताकि आगे से कोई ज्योति कुमारी को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। या तो वही बात हुई कि एक भूखे बच्चे की तस्वीर करोड़ों में बिक गई और बच्चा भूखा बैठा रहा। आज मुझे इस किस्से पर एक तस्वीर याद आती है जिसका नाम था द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। चलिए आपको इस तस्वीर के पीछे का किस्सा सुनाते हैं। इस तस्वीर में एक किड भूख से मर रही एक छोटी लड़की के मरने का इंतजार कर रहा है। इसे एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान के अकाल के समय खींचा था, और इसके लिए उन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन कार्टर इस सम्मान का आनंद कुछ ही दिन उठा पाए, क्योंकि कुछ महीनों बाद 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अवसाद से आत्महत्या कर ली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण कार्टर को आत्महत्या करनी पड़ी? दरअसल जब वे सम्मान का जश्न मना रहे थे तो सारी दुनिया में प्रमुख चैनल और नेटवर्क पर इसकी चर्चा हो रही थी। उनका अवसाद तब शुरू हुआ जब एक फोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ। कार्टर ने कहा कि वह देखने के लिए रुके नहीं क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। इस पर उस व्यक्ति ने एक सवाल और पूछा कि वहाँ पर कितने गिद्ध थे। कार्टर ने जवाब दिया कि वहाँ पर सिर्फ एक ही गिद्ध था, लेकिन इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन वहाँ एक नहीं 2 गिद्ध थे, जिसमें से एक के हाथ में कैमरा था। इस कथन के भाव मात्र से कार्टर को इतना विचलित कर दिया कि वह अवसाद में चले गए और अंत में आत्महत्या कर ली। किसी भी स्थिति में कुछ हासिल करने से पहले मानवता आनी ही चाहिए। अगर वे उस बच्ची को उठाकर यूनाइटेड नेशन की फंडिंग सेंटर तक पहुंचा देते तो आज शायद वह जिंदा होती। हाँ, हो सकता था तब उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, पर वो जिंदा होते अपनी नजरों में और इस दुनिया में भी। हम नहीं समझ पाते कि नाम तो केवल एक छलावा है और काम जीवन जीने का एक जरिया है। हम इंसान हैं, इंसानियत को जीवित रखो। काम तो खूब मिलेगा और नाम भी खूब होगा। दोस्तों, महज छोटी सी एक घटना ने 33 साल की उम्र में मौत दे दी, और यदि हम आज अपने आसपास देखें तो हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंसानियत के नाम पर ही इंसानियत का मजाक बना रहे हैं। हमने तो यही सीखा इससे कि जब तक आप अपनी मदद स्वयं नहीं करेंगे तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। दशरथ मांझी जी ने कहा था, क्या पता भगवान भी आपके सहारे बैठा हो। एक बात और, इतिहास गवाह है, जब जब कठिनाई आई है तब तब एक गरीब ने इतिहास रचा है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आगे आपके लिए और ऐसी खबरें लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।